नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेक योर लाइफ इजी टेक्निकली में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक रीयूज कंटेंट पे। तो ये एक रीयूज कंटेंट बहुत ही एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो सभी यूट्यूबर्स, नए यूट्यूबर्स हों चाहे एक्सपीरियंस यूट्यूबर हों, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल्स पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इनकमिंग अपकमिंग आने वाले न्यू अच्छी वीडियोस, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको वीडियो को सर्च ना करना पड़े, डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। ये गलती आप मत करना। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, स्क्रीन पे आपको ये एक मैसेज दिख रहा है, रीयूज कंटेंट। तो दोस्तों, ये वो मैसेज है जो YouTube हमें मेल पे रिप्लाई करता है, और हम अपने चैनल के एनालिटिक्स और जहाँ मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में जाके फीडबैक में चेक कर सकते हैं। ये होता कब है, जब हम सभी लोग अपना YouTube चैनल क्रिएट करते हैं और काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे होते हैं, हमारे 1000 सब्सक्राइबर ऐड हो जाते हैं और 4000 से अबव वो चार्ज कंप्लीट हो जाता है, तो हम अपना चैनल अपील करते हैं YouTube को मोनेटाइज करने के लिए। हम उन्हें भेज देते हैं और वो हमारे चैनल को थोरली रिव्यू करते हैं, और तब जाके उन्हें कुछ ऐसा मिल जाता है, वो हमें इस टाइप की मेल करते हैं, और ये मैसेज आपको स्क्रीन में दिख रहा है। जैसे ही हमें YouTube की तरफ से ये मैसेज रिसीव होता है, तो जो जिस यूट्यूबर ने ये अपील की होती है, तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। इसका रीज़न क्या है, रीयूज कंटेंट होता क्या है, उसी के बारे में हम आपको आज बताने वाले, ताकि आप सब लोग अपने चैनल पे ये गलती ना करें। अगर आप ये गलती करती हो तो ये गलती करना छोड़ दें, और अगर आप ऐसी वीडियो बना रहे हो और उसे रीयूज कंटेंट में आने से बचाने के लिए क्या करना है, उसका हम आपको आज सल्यूशन देंगे। YouTube है जो वो हमें YPP प्रोग्राम में एंट्री नहीं देता, हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं करता। अगर चैनल इन केस मोनेटाइज हुआ भी हो, इनकम भी जनरेट हो रही हो, अगर आप ऐसा कंटेंट यूज़ कर रहे हो, तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। जो इनकम आप ऑलरेडी जनरेट कर रहे हो, वो भी आपकी आनी बंद हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, रीयूज कंटेंट इज सेपरेट फ्रॉम यूट्यूब कॉपीराइट इन्फोर्समेंट, विच मीन्स इट इज नॉट बेस्ड ऑन कॉपीराइट परमिशन और फेयर यूज। द गाइडेंस मीन्स सम टाइम यू मे नॉट क्लेम्स अगेंस्ट योर कंटेंट, बट योर चैनल मे स्टिल वायलेट और यूज और आर रीयूज कंटेंट गाइडलाइन। तो ये क्या होता है, कई बार हम जैसे वीडियो डाल देते हैं, उसका हमें किसी भी तरह का कॉपीराइट क्लेम नहीं आता, लेकिन जब हमारा चैनल रिव्यू होने के लिए जाता है, जब हम अपील करते हैं मोनेटाइज अपने चैनल को करने के लिए, उस समय हमें ये प्रॉब्लम आती है। उस समय जो हमारा चैनल है, वीडियोस है, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही होती। ये बहुत ही एक मेन इम्पोर्टेंट रीज़न है, जिसके कारण हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाती है और दिल टूट जाता है YouTube पर। जो ये आप YouTube स्पोर्ट लिंक देख पा रहे हो, इस लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, फर्दर इसकी डिटेल दे रहे हैं। जैसे क्लिक करते हो तो आपको फॉलो एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी जो हमने हाईलाइट किया हुआ है, उस पर क्लिक करना है। उसके अंडर आपको ये सारी जानकारी मिलेगी कि रीयूज कंटेंट होता क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रीयूज कंटेंट में इन्होंने आपको क्या बताया हुआ, यहाँ पे साफ साफ बताया है कि ऐसा कंटेंट जो आपने किसी और चैनल या किसी और की वीडियो आप अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हो, और वो भी विदाउट एडिंग एनी सिग्निफिकेंट ओरिजिनल कमेंट्री और एजुकेशनल वैल्यू। इट मीन टू से, अगर आप किसी का भी वीडियो कहीं से भी उठाते हो, किसी भी चैनल से, इधर कहीं किसी भी सोर्स से, मीडिया से, तो उसमें आपका कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए, आपकी कोई कमेंट्री होनी चाहिए, आपका उसमें कोई ना कोई एक एजुकेशन जो है मैसेज होना चाहिए, वैल्यू ऐड होनी चाहिए। तो इस अगर ऐसा करते हो, अगर आप किसी का कंटेंट भी उठा के अपने वीडियो पे अपने चैनल पे वीडियो डाल रहे हो, तो वो आपको रीयूज कंटेंट में नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसमें एफर्ट पुट किए हैं, एफर्ट डाले हैं, उसमें आपने मेहनत की है।
तो ये दोस्तों था कि रीयूज कंटेंट होता क्या है, जब हम किसी का कंटेंट उठा के अपने वीडियो अपना वो वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल देते हैं, उसे कैसे बचा जा सकता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके, कमेंट्री ऐड करके या उसमें कुछ एजुकेशन वैल्यू ऐड करके। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व करता कौन, आप देख पा रहे हो एडसेंस सर्च कंसोल पोर्शन ऑफ एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज के अंडर ही आता है। तो ये जो एडसेंस टीम है वो ये चेक करती है कि जो आप कंटेंट डाल रहे हैं वो कहीं रीयूज तो नहीं, जो भी पॉलिसीज हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं उसके अंडर ये जो है ऑब्जर्व होता है, उसी को चेक करने के बाद वो आपको रिप्लाई आता है। अगर तो वीडियो सारी सही है आपकी अपनी है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर यानी आप किसी की वीडियो यूज़ कर रहे हो और उस पर आपने कोई अपनी तरफ से कोई एफर्ट या मेहनत नहीं लगाई या मेहनत नहीं की, तो आपको रीयूज कंटेंट की जो है वो मेल रिप्लाई आ सकता है और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। फिर बता रहा हूँ, अगर चैनल मोनेटाइज हुआ भी होगा तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा, आपकी जो इनकम है वो रुक जाएगी। सो अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं इस तरह का आपको मैसेज मिलता है मेल पे, साफ साफ लिखा होता है रिव्यू फीडबैक में व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट, जिसमें आप जो ये जो फीडबैक उन्होंने दिया हुआ उस पर आप दोबारा अपील भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको 1 मंथ के बाद ऑप्शन आती है रिव्यू करने की। ये एक सिंपल सा मैसेज है, ये आपको बताने का सिर्फ इतना ही हमारा एक इम्पोर्टेंट मैसेज था कि री यूज़ कंटेंट को मत यूज़ कीजिए, अगर यूज़ कर रहे हो तो उसमें कुछ वैल्यू ऐड कीजिए, अपनी तरफ से कोई कमेंट्री ऐड कीजिए, एजुकेशनल वैल्यू ऐड कीजिए, तब जाके आपका जो है वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हमें दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर हम स्क्रीन पे आप देख ही रहे हो कि सर्च करते हैं कि रीयूज़ कंटेंट है क्या, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो डाल रखे हैं, काफ़ी सारे इसमें कंटेंट बन चुके हैं, इसकी सपोर्ट भी करता है यूट्यूब, जो सपोर्ट हेल्प है या डेस्क है वहाँ पे भी आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो नंबर ऑफ़ वेज हैं जहाँ से हमें जानकारी मिल सकती है, लेकिन ये जानकारी हमें खुद लेनी होती है, या तो हम वीडियोस के थ्रू करके हम जानकारी ले सकते हैं, या खुद आप रीडिंग करके कर सकते हो, जो उसकी पॉलिसीज हैं उन्हें पढ़ सकते हो। तो रीयूज कंटेंट पे तो हमने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं, इसी का आपने अपना ध्यान रखना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको इन फ्यूचर आने वाली वीडियो मिलती है। थैंक यू।